अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको एमएस हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दें। अगर आप उसको क्लिक नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमएस हेल्थ साइकोलॉजी से पहले मैं आपको हेल्थ साइकोलॉजी की डेफिनेशन बता देती हूँ। हेल्थ साइकोलॉजी क्या होती है? हेल्थ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेल्थ केयर, इलनेस एंड हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट हेल्थ एंड माइंड। यानी कि जो भी चीज़ें हमारी हेल्थ पर या हमारे माइंड पर अफेक्ट करेंगी, या किस तरीके से हमारी जो सोचे हैं वो हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती हैं, या किस तरीके से हमारी जो डाइट एक्सेट्रा ये चीज़ें हैं हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती हैं, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर। एमएस हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपके पास बीएस ऑनर्स होने की डिग्री होने की जो है वो ज़रूरत होती है, और एमएससी साइकोलॉजी, एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी या बीएस ऑनर्स साइकोलॉजी के अंदर आपके पास होना चाहिए एमएस हेल्थ साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा 2.5 सीजीपीए होना चाहिए आपका, या 2 सीजीपीए भी कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देती हैं। तो 60% मार्क्स आपके एनुअल सिस्टम में और 2 से 2.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए। 2 तो मस्ट है। इसके अलावा हेल्थ साइकोलॉजी हमारे पास ज़्यादातर एमफिल में होता है, यानी कि एमफिल में आप हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन को उठाते हैं। लेकिन हमारे पास एमएस हेल्थ साइकोलॉजी से भी रिलेटेड डिग्रीज मौजूद हैं काफ़ी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। हेल्थ साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर की जाती है, और एमफिल हेल्थ साइकोलॉजी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर की जाती है, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एमफिल हेल्थ साइकोलॉजी ऑफर की जाती है। उसके अंदर आप एमफिल में अगर आप होंगे तो आप स्पेशलाइज्ड एरिया चूज़ करेंगे हेल्थ साइकोलॉजी की, लेकिन अगर आप एमएस में जाएंगे तो डायरेक्ट आप हेल्थ साइकोलॉजी में एडमिशन लेते हैं। कराची में कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, और पंजाब के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी भी करवाती है। हमारे यहाँ पे जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी ज़्यादातर एमएस में इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, एमफिल में जो है वो आप इसको स्पेशलाइज एरिया के तौर पर उठा सकते हैं। तो अगर इसकी फ़ीस की बात की जाती है तो सेमेस्टर सिस्टम में आपके पर सेमेस्टर जो है वो 30,000 तक, यानी कि 30,000 तक पर सेमेस्टर आप देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर हमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर आप जो सब्जेक्ट्स कवर करते हैं उनके अंदर एडवांस रिसर्च मेथड, डेटा एनालिसिस, मॉडल्स इन हेल्थ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, हेल्थ एथिकल इशू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन हेल्थ केयर, क्रॉनिक एंड टर्मिनल कंडीशन, एपिडेमोलॉजी एंड प्रिवेंटेशन मेडिसिन, प्लेसमेंट थीसिस भी आपकी होती हैं, और कम्युनिटी वर्क इन प्रिवेंटेशन मेडिसिन। ये चीज सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर कवर करते हैं, यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड भी, हेल्थ से रिलेटेड भी, मेडिसिन से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। थीसिस भी होती हैं, और प्लेसमेंट भी, आपकी क्लिनिकल प्लेसमेंट भी होती है। हमारे पास यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी का रुझान बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप हेल्थ साइकोलॉजी करते हैं तो आप एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की जॉब्स कहाँ कहाँ होती हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सी डिफरेंट जॉब्स के अंदर जा सकता है, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ फैसिलिटी के अंदर, रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट में जा सकता है या उसके अंदर काम कर सकता है एज अ साइकोलॉजिस्ट। उसके अंदर वो पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के अंदर वो काम क्या करता है, बेसिकली डिज़ाइन एंड प्रमोट प्रोग्राम दैट इम्प्रूव हेल्थ इशू अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस देना, हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाना, और किसी जगह पे हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च करना, वहाँ पे हमारे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आते हैं।
उसके अलावा ये क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं, यानी कि क्लिनिक ओपन करके भी हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वर्क नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। उसके अलावा जो है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट करती कैसी होनी चाहिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर भी वो ओवरऑल काम करते हैं। बेसिकली उनका ज़्यादा काम यही होता है कि आपकी मेंटल जो चीज़ें हैं वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर सकती हैं, जैसे स्ट्रेस लेने से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो सकता है, तो इससे आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस लिहाज से वो आपको गाइड करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं कि आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजारें, ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम है। उसके अलावा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो एज ए रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, उसके अलावा स्कूल्स के अंदर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर भी काम कर सकते हैं। ओके, तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है कि तमाम चीज़ें आपने देख ली हैं, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का रुझान हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।